गुड मॉर्निंग डियर क्लास टू स्टूडेंट्स, दिस इज योर इम्तियाज सर एंड आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एंड टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज. इन दिस सेशन आई विल राइट आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन 11. द लेसन 11 नेम इज द डिसकंटेंटेड फर ट्री. गुड मॉर्निंग क्लास टू स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में लेसन 11 इंग्लिश लैंग्वेज का लेसन 11 का रीडिंग लगाया था. आज इस सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लिखेंगे. हम लोग इससे लेसन 11 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देखते हैं, जो कि आपका ए में है, सेक्शन ए कम्प्रीहेंशन है. तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फर ट्री हैव. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फर ट्री हैव. फर ट्री के पास क्या था, फर ट्री को क्या था, मीन्स इससे मतलब यह है कि उसकी उसे उसका लीव्स जो था वो कैसा था. आंसर होगा, द फर ट्री हैड डार्क ग्रीन नीडल लीव्स. क्या है क्वेश्चन, व्हाट डिड द फर ट्री हैव. आंसर होगा, द फर ट्री हैड डार्क ग्रीन नीडल लीव्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है, द फर ट्री विश्ड फॉर थ्री काइंड्स ऑफ लीव्स, लिस्ट देम. कहा जा रहा है कि फर ट्री ने तीन साइंस की थी. वो अपनी पत्ती को कैसे कैसा तीन दफा तीन बातें कही थी, तीन ख्वाहिश की थी, वो क्या क्या था उसे लिस्ट कीजिए. तो आंसर देखिए, फर्स्ट टाइम उसने जो विश किया था कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी पत्ती सोने की हो. तो फर्स्ट टाइम उसका विश क्या था, गोल्ड लीव, सोने की पत्ती. उसके बाद सेकेंड टाइम जब रॉबर उसके पत्ती को तोड़ करके ले गया, तो वो उसने दोबारा जो विश किया था उसने क्या कहा था, स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स, मतलब चमकते हुए शीशे जैसा पत्ती, चमकते हुए शीशे जैसा पत्ती कि उसने ख्वाहिश की थी. वो तूफान में एक दूसरे से टकराकर चूर चूर हो गया, टूट गया. तो फिर उसने क्या ख्वाहिश की, ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स, बड़ा और मुलायम सा हरा, बड़ा और सॉफ्ट मतलब स्मूथ हरा मुलायम पत्ती. ठीक है, वो बड़ा सा हरा मुलायम पत्ती की ख्वाहिश वो की थी. तो उसका तीन विशेष क्या था, गोल्ड लीव्स, स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स, ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स. ये तीन विशेष फर ट्री ने किया था. Who granted the wishes of the fir tree? ये फर ट्री का जो ख्वाहिश थी, उसको इच्छा थी, उसे किसने पूरा किया? फर ट्री की इच्छा को किसने पूरा किया? ए वुड फेरी, जंगल की एक जंगल की जो परी थी, granted the wishes of the fir tree. उसने फर ट्री के इच्छा को, फर ट्री की ख्वाहिश को पूरा किया. ठीक है, तो एक बार फिर से हम देखते हैं तीनों क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट डिड द फर ट्री हैव. आंसर है, द फर ट्री हैड डार्क ग्रीन नीडल लीव्स. क्वेश्चन नंबर टू है, द फर ट्री विश्ड फॉर थ्री काइंड्स ऑफ लीव्स, लिस्ट देम. आंसर है, फर्स्ट नंबर गोल्ड लीव्स, सेकेंड नंबर स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स, थर्ड नंबर ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स. क्वेश्चन नंबर थ्री है, हु ग्रांटेड द विशेस ऑफ द फर ट्री. आंसर है, ए वुड फेरी ग्रांटेड द विशेस ऑफ द फर ट्री. इसे आप लोग देख लीजिए, फिर आगे हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं.
सही सही नोट कीजिएगा, नोट कीजिए इसे, देख लीजिए। चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर बाद में आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा, ये क्वेश्चन नंबर 4th देखिए। क्वेश्चन नंबर 4th है, व्हाट डिड द रॉबर डू, व्हाट डिड द रॉबर डू, ये आपका द डिसकंटेंटेड फर ट्री का 4th क्वेश्चन है। तो ये फर ट्री के बारे में बातें हो रही है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द रॉबर डू, रॉबर ने क्या किया, डाकुओं ने क्या किया। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डाकू ने वो फर ट्री का जो सोने की पत्ती थी उसे तोड़ लिया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द रॉबर प्लक्ड ऑल द गोल्ड लीव्स फ्रॉम द फर ट्री। क्या है आंसर, द रॉबर प्लक्ड ऑल द गोल्ड लीव्स फ्रॉम द फर ट्री, मतलब डाकुओं ने फर ट्री के सारे सोने की जो पत्तियां थी उसको तोड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 5th है, व्हाट डिड द स्ट्रॉन्ग एंड क्रूअल विंड डू, स्ट्रॉन्ग और क्रूअल विंड ने, ये फर ट्री का लैंग्वेज है क्रूअल विंड, उसने जब उसकी पत्तियां शीशे की पत्तियां टूट गई थी तो उसने कहा था कि मैं स्ट्रॉन्ग और ये क्रूअल विंड जो है, ये जानिंग हवा जो है मेरी पत्तियों को तोड़ डाला। तो इसलिए इसी तो ये फर ट्री के लैंग्वेज में लिखा गया है क्रूअल विंड। तो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्ट्रॉन्ग एंड क्रूअल विंड डू, आंसर होगा, द स्ट्रॉन्ग एंड क्रूअल विंड ब्रोक द ऑल स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स ऑफ फर ट्री, ब्रोक ऑल द स्पार्कलिंग। इसको चेंज कर दें, ब्रोक ऑल द लिखिए, ब्रोक ऑल द स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स ऑफ फर ट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट डिड द स्ट्रॉन्ग एंड क्रूअल विंड डू, आंसर क्या होगा, द स्ट्रॉन्ग एंड क्रूअल विंड ब्रोक ऑल द स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स ऑफ फर ट्री। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड द रॉबर डू, आंसर होगा, द रॉबर प्लक्ड ऑल द गोल्ड लीव्स फ्रॉम द फर ट्री। क्वेश्चन नंबर 5th है, व्हाट डिड द स्ट्रॉन्ग एंड क्रूअल विंड डू, आंसर है, द स्ट्रॉन्ग एंड क्रूअल विंड ब्रोक ऑल द स्पार्किंग ग्लास लीव्स ऑफ फर ट्री। इसे आप लोग देखिए, देख लीजिए इसे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th था ये, अब हम लोग 6th 7th को देखते हैं बच्चों। अब देखिए हम लोग 6th क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन है, तो ये आपका द डिसकंटेंटेड फर ट्री का 6th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बिली गोट्स डू, बिली गोट्स ने क्या किया, फर ट्री के साथ बिली गोट ने किया क्या किया, मीन्स उसकी पत्तियों के साथ क्या किया। तो हम लोग पढ़े थे ना, बिल गोट्स आए और उसकी वो घूम रहे थे, उसने देखा मुलायम बड़े बड़े पत्ते और उसे खाना शुरू कर दिया, तो और इस तरह से पूरी पत्तियों को खा लिया। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, बिली गोट्स एट अप ऑल द लीव्स ऑफ द फर ट्री। क्वेश्चन नंबर 7th है,
व्हाट डिड द फर ट्री आस्क फॉर फाइनली। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइनली आखिरकार फर ट्री ने क्या कहा, क्या क्या कहा, मतलब कि आखिर में फर ट्री ने क्या विश किया। तो आखिर में फाइनली फर ट्री ने यही विश किया कि हमारी जो पत्तियां थी जैसी थी वो वापस आ जाए, मैं इसी में खुश रहूंगा। तो इसी को लिखेंगे हम लोग, फाइनली द फर ट्री आस्क्ड टू रिटर्न बैक इट्स डार्क ग्रीन नीडल लीव्स। कि फाइनली आखिरकार फर ट्री ने कहा कि मेरा जो डार्क ग्रीन नीडल लीव्स था वो वापस आ जाए। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। व्हाट डिड द बिली गोट्स डू। आंसर है बिली गोट्स एट अप ऑल द लीव्स ऑफ द फर ट्री। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड द फर ट्री आस्क फॉर फाइनली। आंसर है फाइनली द फर ट्री आस्क्ड टू रिटर्न बैक इट्स डार्क ग्रीन नीडल लीव्स। ठीक है, फिर से देख लीजिए, व्हाट डिड द बिली गोट्स डू। आंसर है बिली गोट्स एट अप ऑल द लीव्स ऑफ द फर ट्री। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड द फर ट्री आस्क फॉर फाइनली। आंसर है फाइनली द फर ट्री आस्क्ड टू रिटर्न बैक इट्स डार्क ग्रीन नीडल लीव्स। इसे आप लोग देख लीजिए। और बच्चों मुझे उम्मीद है, आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी बच्चे क्लास 2 में हैं और वाइवा के रियल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसमें आपको लेसन 11 का क्वेश्चन आंसर करने में मदद मिलेगा। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, इस उम्मीद के साथ आज का मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप पूरा वाच करेंगे और अपने साथियों को भी शेयर करेंगे अच्छा लगे तो। और मेरे वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। इसे देख लीजिए आप लोग, वैसे ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए आप लोग।